दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर कुछ इस तरह से दिखता है। फिलहाल मेरे पास जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये टीयर ड्रॉप शेप का है। इसके अलावा राउंड शेप में भी ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल है या फिर किसी और शेप में भी ब्यूटी ब्लेंडर मार्केट में अवेलेबल है। बेसिकली ये एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज टाइप का मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है। ब्यूटी ब्लेंडर को आप कभी भी ड्राई अपनी स्किन के ऊपर मत अप्लाई कीजिए, इसको ऑलवेज भिगा लीजिए। जब ये ड्राई रहता है तो अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा रहता है, बट वेट होने के बाद, गीला होने के बाद ये साइज में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो साइज इंक्रीज होने के बाद ही आपको इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा आपको इसको गीला करना है। गीला करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपको स्क्वीज करने लेना जरूरी है ताकि एक्सेस वाटर जो हो वो बाहर निकल आए। बस अच्छी तरह से इसको डैब डैब करके ही अपने स्किन के अंदर मिलाते जाना है। इसको रब नहीं करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की जो नोकीला पोर्शन है इसी की मदद से मैं आंखों के नीचे पोर्शन में फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ध्यान में रखिए आपको इस तरह से रगड़ना नहीं है, बस इस तरह से स्किन के अंदर इसको प्रेस करना है। इट गिव्स मी शियर टू मीडियम कवरेज। आपको अगर ज्यादा कवरेज चाहिए तो और एक बार आप इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम सिर्फ फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं, यही नहीं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम लोग पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन लिक्विड प्रोडक्ट है या फिर क्रीम प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को सेट करने के लिए हमें पाउडर जरूरी है। तो पाउडर से हम प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लॉक कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से हम लोग इस तरह से पाउडर को ले सकते हैं या फिर कॉम्पैक्ट को ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो ट्रांसलूसेंट पाउडर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको लगा रही हूँ और फिर जिस जिस पोर्शन में मेरा मेकअप जो है वो क्रीज होने का चांस अराइज करेगा वहां पे मैं लगा दूंगी। यहाँ पे हम लोगों का लाफ लाइन पड़ता है। अगर हम लोग स्माइल करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है, जो फाउंडेशन है, वो ब्रेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आंखों के नीचे के हिस्से में भी जब रिंकल्स होता है तो वहां पे भी प्रोडक्ट यानी कि फाउंडेशन अटक जाने के चांसेस होता है। तो वहां पे अच्छी तरह से प्रोडक्ट को सेट करने के लिए हमें मदद चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर की और साथ ही साथ किसी अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर की। अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। पर मेरा स्किन थोड़ा बहुत ऑयली है और थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन टाइप का है तो मैं ये स्किप नहीं कर सकती। तो ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। ये मेकअप लुक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपने देखा ना ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम लोग किस तरह से आसानी से अपना बेस मेकअप जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के पास फिर से वापस आती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय।